इको सोम सतनाम 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 जियो। जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंछी बसे बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। राखों कंध उसारू नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा। बंके बाल पाग सिर तेरी, यो तन हुए ग्यो भस्म की ढेरी। ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पात कमीनी, ओछा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रवदास चमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रवदास चमारा। रे मन चेत मीच दिन आया, तो जग जाल न भया पराया। कान सुने ना नजरी दिसे, जी थिर न रहाई। मुंड रुतन थर थर कांपे, अंत हूँ बिरिया पहुतो वाई। केसो सेत पीक पए सब, तन मन बल बिल माया। मधियायन गयो तुरा चल आई, अजहूं जग रहो भर माया। पानी गयो पल चीजे काया, ये तन जरा जरा ना। पांचो था के जरा जरुसाने, तो राम ही मर्म न जाना। हंस पखेरु चंचल पाई, समझ पेख मन माही। प्रतिपल मीचे ग्रासे देही, पुन रवदास चेतो नाही। जो दिन वैसो दिन जाहे, करना कुछ रहन थिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग याना, तै जीवन जग सच कर जाना। जिन जो दिया सो रिजक अंबरावे, सब घट भीतर हाथ चलावे। कर बंदगी छाड़ में मेरा, हृदय नाम संवार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ न संवारा, सांझ पड़ी दह दिस अंधियारा। कहे रवदास नदान दीवाने, चेतस नाही दुनिया बंद खाने। चेतस नाही दुनिया बंद खाने। ऊंचे मंदर साल रसोई,
एक कड़ी फुन रहन न होई। एतन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी। पाई बंद कुटुंब सहेरा, होए भी लागे काड सवेरा। कर किनार उरे तन लागी, हो तो भूत भूत कर भागी। कह रवदास सबै जग लुटिया, हम तो एक राम कह छुटिया। कोसों सतनाम सतनाम जियो। दुखियारी दुखियारा जग में, मन जप ले राम प्यारा रे। गढ़ कांचा तस करती लागा, तू काहे न जाग अभागा रे। नैन उगार न पेखे ओ तूने, मानुष जन्म के लेखा रे। पाँव पसार किम सोए पर ओ रे, ते जन्म अकारथ को यारे। जन रविदास राम नित भेटे, रहे संजम जागत पहरारे। रहे संजम जागत पहरारे। इको सोम सतनाम सतनाम जियो। मन मोरा माया मैं लपटाणू, विशासकत रहो निस्वासर। अजो नहीं अघानो, कामी कुटिल लबार कुचाली। समझ नहीं समझानो, सतसंगत पल नहीं कीनी। मन मूरख बहु गर्वानो, सोत खात दिन रैन बिताए। ताही मैं रसना सुख मानो, माया मैं हिल मिल रहियो। फोकट साटे जन्म गवानो, कह रवदास कछु चेत बावरे। राम नाम बिन नहीं उबरानो, कह रवदास कछु चेत बावरे। राम नाम बिन नहीं अबरानो। बीती आयु पजन नहीं कीना, पजन नहीं कीना। सेत पयो तन थर थर कांपे, हर सिमरन नहीं कीना। सतसंगत नहीं गुरु पद से, प्रभु कीरत नहीं गाई। नहीं मन रमियो प्रभु चरणन में, तन शो प्रीत दृढ़ाई। कह रविदास चलन की बरिया, को न होए सहाई। कह रवदास चलन की बरिया, को न हुए सहाई। इको सोंग सतनाम सतनाम जियो। राग बिलावल का तू सोवे जाग दीवाना, झूठा जीवन सांच कर जाना। जो दिन आवे सो दुख में जाही, की जय कुछ रहो सच नाही। संग चलो है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। जो कुछ बोया लुनिए सोई, ता मैं फिर पार नहीं होई। छाड़िए कूर पजू हर चरना, ता
को मिटे जन्म और मरना। जिन जो दिया सूरज कंबरावे, घट घट भीतर रहट चलावे। कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय करीम संभार सवेरा। आगे पंथ खरा है जीना, खांडे धार जैसा है पैना। जिस ऊपर मार्ग है तेरा, पंथी पंथ संवार सबेरा। क्या तय खर्चा क्या तय खाया, चल दर हाल दीवान बुलाया। साहिब तो पहले खाले सी, भीर परया तू भर भर देसी। जन्म सिराना किया पसारा, सांझ परी चहुं दिस अंधियारा। कह रविदास नदान दीवाना, अजो न चेते दुनी फंद खाना। तुझे सुजनता कछु नहीं, पहरावा देखे ऊब जाई। गर्भवती का नहीं ठाऊं, तेरे गर्दन ऊपर लवे काओ। तू काए गर्भे बावली, जैसे भादो कुंभराज। तू तिस ते करी उतावली, जैसे कुरंक नहीं पायो भेद। तन सुगंध ढूंढे परदेस, अप तन का जो करे विचार। तिस नहीं जम कंकड़ करे खवार। पुत्र कलतर का करे हंकार, ठाकुर लेखा मंगनहार। फेड़े का दुख सहे जी, पाछे किसे पुकारे पीव पीव। साधु की जो लहे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। कह रविदास जो जपे नाम, तिस जात न जन्म न जोन काम। तिस जात न जन्म न जोन काम। इको सोग सतनाम जियो राग मल्हार। मिलत प्यारो प्राणनाथ, कवन भगत ते। साध संगत पाए परम गति, साध संगत पाए परम गति। मैले कपड़े कहाँ लग धो, आवे गी नींद कहाँ लग सो। आवे गी नींद कहाँ लग सो। जोई जोई जोरियो सोई सोई फाटियो, झूठे बन झूठ ही गई हाटियो। कह रविदास पयो जब लेखो, जोए जोए कीनो सोए सोए देखियो। कह रविदास पयो जब लेखो, जोए जोए कीनो सोए सोए देखो। कुसुम सतनाम जियो। रे मन मांछला
संसार समुंदे तू चित्र विचित्र विचार रे जिहं गाले गलिया ही मरिए सो संग तुर निवार रे यम है डिंगन डोर है कंकण परतिय गालो जान रे हवे रस लुबद रमेयो मूरख मन पछतावे न्यान रे पाप गुणियों छे धर्म निबोली तू देख देख फल चाख रे पर तिरिया संग भलो जो होवे तो राणो रावण देख रे कह रविदास रतन फल कारण गोविंद के गुण गाए रे कांचो कुंभ भरो जल जैसे दिन दिन घट तो जाए रे कांचो कुंभ भरो जल जैसे दिन दिन घट तो जायो रे। इको सोंग सतनाम 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 जियो। और प्यारे सत्संग जी परम पिता जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र वाणी आज श्रद्धेय श्रीमान पुलकित कोचर जी जो कि अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके आज सतगुरु के चरणों में जा विराजे हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी इस जीव को परम गति प्राप्त करें। सतगुरु रविदास महाराज जी की जो वाणी है वो हमें यही संदेश देती है कि मानव जीवन उस कुदरत की एक दुर्लभ देन है। अनेकों पिछले जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप यह प्राप्त होता है और उस कुदरत से मिलने का यही मनुष्य जन्म ही एक मात्र अवसर है कि हम उस कुदरत का साक्षात्कार करें। इस मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। यह मानव जीवन थोड़े समय के लिए प्राप्त होता है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जियो चिर पयो दर्शन देखे कि थोड़े समय के लिए ही हमें ये मानव जीवन मिला है और इस मानव जीवन का केवल एक ही ध्येय है एक ही उद्देश्य है कि हम थोड़े समय में ही उस परम तत्व को जान लें उस सच्चाई को जान लें कि जिस सच्चाई से हम अनभिज्ञ हैं अनजान हैं और जानबूझ के शायद हम अनजान बने हुए हैं और इस शक्ति को जो हमें मानव जीवन के रूप में मिली है हम इसे व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर देते हैं इधर उधर की बातों में और अपने जीवन के मूल उद्देश्य से भटक जाते हैं। सदगुरु साहब कहते हैं कि इसमें थोड़ी भी ढील हमें नहीं देनी चाहिए। जो भी समय हमें मिला है जीवन हमारा कोई स्थायी नहीं है। कोई 10 साल कोई 20 साल कोई 30 साल कोई 50 कोई 60 साल जैसे जैसे जिनको जितनी सांसें मिली हैं वैसे व्यतीत वैसे ही जीवन इंसान जीता है। लेकिन ये समझ करके जिए कि एक एक श्वास आखिरी श्वास है एक एक पल आखिरी पल है और हर समय हमें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस जीवन को जीना चाहिए जो हमारे संतों महापुरुषों ने हमें बताया है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो एह जन्म तुम्हारे लेखे कि ये जो जन्म हमें मिला है जो सुअवसर हमें मिला है
इसका हम फायदा उठाएं, ये सदगुरुओं के लेखे लगाएं, इसका लाहा लें। और इस संबंध में हमें यह याद रखना बहुत जरूरी है कि गुरु की कृपा और उसकी सहायता के बिना हमें कोई दुख हम नहीं काट सकते, कोई संकट हम अपने शक्ति के द्वारा उसका हल खोज नहीं सकते। सतगुरु हमें ताकत बख्शते हैं, उनकी कृपा हम पर होती है तो वो बड़े से बड़े दुख को, संकट को काट देते हैं। उनकी दया इतनी होती है, उनकी कृपा इतनी होती है, इसलिए उस रब ने, उस कुदरत ने गुरु का रूप बना करके, संतों का रूप धार करके हमारी मदद करने के लिए संतों को भेजा, महापुरुषों को भेजा। और उन संतों महापुरुषों ने हमें एक विचार दिया है, एक वाणी दी है, और वो वाणी के द्वारा ही हमें जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं कि वाणी जो कहती है उसके द्वारा हम अपना जीवन बसर करें। सदगुरु रविदास महाराज जी हमें अपनी वाणी के द्वारा यही समझाते हैं कि एक भरोसो राम को और भरोसो सत्कार, सफल होइयो जीवना, कह रविदास विचार। कि दुनिया की मान बढ़ाई, धन दौलत की चकाचौंध और विषय वासनाओं की तृष्णा, जिन्होंने हमें सदगुरु की भक्ति से, सदगुरु से, विचारों से दूर किया हुआ है, ये बिल्कुल बेकार चीजें हैं और व्यर्थ की चीजें हैं। मानव जीवन में आकर के अगर हम इन चीजों में उलझे रहेंगे, जरूरी है कि हम जीवन निर्वाह करने के लिए धन दौलत का प्रयोग करें, मान बढ़ाई का प्रयोग करें, लेकिन भूल मत जाएं कि ये जीवन जो हमें मिला है सदगुरु की इच्छा के अनुसार जीने के लिए मिला है। और अगर सदगुरु रविदास महाराज जी हमें फरमाते हैं कि मुझे एकमात्र भरोसा उस कुदरत का है, सतगुरु का है, कि वो अपने सत्कर्म का सहारा देते हैं। और सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि विचार करें, और विचार पूर्वक कहते हैं कि जीवन इसी प्रकार सफल होगा कि जब हम अपने संतों महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलेंगे, अपनी इच्छा से चलना, जीवन को भूल जाना होता है कि जीवन में हम क्या करने आए हैं और क्या हमें करना है। कायम दायम रामिक दोयम सत ईमान, रविदास राम और सत बिना बिरथा सब कुछ जान। कि जो कायम दायम है वो बादशाहत उस रब की है और वो हमारे भीतर में बसते हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि रविदास राम और सत बिन बिरथा सब कुछ जान, कि जिसकी बादशाहत कायम दायम है हम उसको ही भूल जाते हैं। और हम तो कुछ समय के लिए इस दुनिया में आए हैं, कुछ समय के लिए इस दुनिया में आए हैं, लेकिन हम जिसकी बादशाहत कायम और दायम है, जो सदा रहने वाली है, उससे दूर हो जाते हैं तो बहुत दुख पाते हैं। राम ही एक ऐसा तत्व है, कुदरत ही एक ऐसा तत्व है जो हमेशा कायम रहता है। सतगुरु उसकी जानकारी हमें देते हैं, जो कभी विनाश नहीं होता, जो कभी नाश नहीं होता। दूसरी और चीजें, शरीर है, नाश हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन स्थाई तत्व, अविनाशी तत्व, सच्चा ईमान व केवल सतनाम है। और सच्चे ईमान के बिना, सतनाम के बिना सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि हम उस सतनाम के बिना जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम जीवन जीते हैं, वो सब बेकार है। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, रविदास सतकर आसरे, सदा सत सुख पाए, सत ईमान नहीं छाड़िए, जग जाए तो जाए। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि एक दिन जाना तो है ही, और इस सत्य को अटल जानिएगा कि एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, ये दुनिया छूट जाएगी, हमसे रिश्ते नाते छूट जाएंगे, हमारे माता पिता छूट जाएंगे, सब रिश्तेदार सगे संबंधी छूट जाएंगे, लेकिन
सत ईमान नहीं छाड़िए, जग जाए तो जाए। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि केवल इंसान सत्य के सहारे जीता है, और सत्य ये है कि हम यहाँ पर स्थाई नहीं हैं, यही सच्चाई है। धीरे धीरे करके सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जो दिन आवे सो दिन जावे, कर ना कुछ रहन थिरना है, संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना, कि एक दिन हम सभी ने चले जाना है। हमारे संगी साथी, हमारे दादा परदादा, रिश्तेदार चले गए, गारंटी हमारी भी नहीं है, हमने भी चले जाना है। इसलिए सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि सत ईमान नहीं छाड़िए, जग जाए तो जाए। इस सत्य को कभी मत भूलना कि हमने संसार को छोड़ करके जाना है। लेकिन उससे पहले जो लंबा इतना बड़ा जीवन हमें मिला है, मौत कहते हैं एक पल की होती है, एक पल में आ जाती है, लेकिन हमारा जो जीवन हमें मिलता है वो तो लंबा होता है। उसमें सत को जानना है कि सत क्या है। केवल मौत के समय और मौत हो जाती है तब हम कहें कि हाँ जी मरना तो सत्य है। नहीं जी, इतने लंबा जीवन हम जीते हैं उसमें हमने क्या सत्य जाना है, वो भी सत्य है। मरना तो सत्य है ही, लेकिन मरने के बाद कितने लोगों ने आकर के बताया है कि मरना सत्य है। सतगुरु कहते हैं जीते जी मर करके देख लो, जीते जी मर जाना ही, मर करके ही आप पता कर सकते हैं कि सत्य क्या है। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं, रविदास मानुष जन्म में होचित हो गुरु एक, आद अंत मेरो सतगुरु राखे सबन की टेक। कि जीते जी ही हमें पता मालूम पड़ता है, जीते जी ही हम ये अनुभव कर सकते हैं प्यारे सत्संग जी की, मानुष जन्म में क्या करने के लिए आए हैं, क्या करना चाहिए और क्या कर रहे हैं, ये केवल हम जीते जी ही समझ सकते हैं। मरने के बाद किसने देखा है। लेकिन सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन सतगुरु होना चाहिए। आदि अंत मेरो सतगुरु राखे सबन की टेक। अगर जीवन में सतगुरु ही सतगुरु है, उनका दिया हम खाते हैं, उनका दिया हम पढ़ते हैं, उनका दिया हम सोते हैं, उन्हें जो दिया है सब कुछ सतगुरु को मान करके जब हम जीवन जीते हैं, तो प्यारे सत्संग जी उस जीने का अंदाज ही अलग है, आनंद उसका अलग है। आइए प्यारे सत्संग जी, क्योंकि दुख और खुशी, सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं दुनिया के दो आईने हैं, कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने फरमाया, रविदास जन्म को हर्ष क्या, रविदास जन्मे को हर्ष क्या, मरने का क्या शोक, बाजीगर के खेल को समझत नाही लोग। लेकिन जो सतगुरु को नजदीक जानते हैं, उनको मानते हैं, उनको पता चलता है कि दुख जो है वो सर्वप्रथम है, जैसे मौत सर्वप्रथम है। दुख के बिना यहाँ इस संसार में कुछ भी नहीं है। सतगुरु रविदास महाराज जी और तमाम संतों महापुरुषों ने फरमाया कि ये जग दुख की खेतरी जानते हैं सब कोए, ज्ञानी काटे ज्ञान सो मूर्ख काटे रोए। ये भ्रमवश प्यारे सत्संग जी लगता है, क्योंकि ये सारे संसार के साथ होता है। आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ होगा, कि कोई हमसे छूट जाता है, कोई हमारा जी चला जाता है। दुनिया का नियम है प्यारे सत्संग जी, सच सतगुरु की वाणी बताती है और दिलासा भी वही देती है कि आज जैसे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, सगे संबंधी मित्र प्यारे गण इकट्ठे हो रहे हैं, सभी दिलासा देने के लिए हैं। कोई एक दिन देता है, कोई एक पल देता है, कोई एक महीना दिलासा देगा, लेकिन सारी उम्र जो जीने का लिए प्रेरित करेंगे और दिलासा देंगे और दुखों को जो काटेंगे, वो केवल सतगुरु ही काटेंगे और उनकी वाणी काटेगी। सतगुरु रविदास महाराज जी ने फरमाया, रविदास आस इक राम की, और न करहु को आस,
राम छाड़ अनंत रम रहे रहे सदा निराश। कि जो लोग सदगुरु की आस करते हैं, उस नाम सतनाम की आस करते हैं और किसी की आस नहीं करते, वो लोग कभी निराश नहीं होते। हाँ, उन्हें दुख झिझोड़ेगा जरूर, परेशानियां कठिनाइयां आएंगी जरूर, मौतें भी होंगी, दुख भी आएंगे, लेकिन वो ज्यादा देर डोलेंगे नहीं। कुछ पल के लिए जैसे आंधी तूफान आता है, निकल जाता है, फिर एक शांति होती है और फिर जीवन वैसे का वैसे चल पड़ता है। भूचाल आते हैं, तबाही होती है, लेकिन फिर नया निर्माण होता है। वर्षा आती है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, लेकिन फिर एक बार फिर शांति होती है, फिर से जीवन शुरू होता है। क्योंकि कुदरत का ये नियम है। सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि दुखियारी दुखियारा जग में, मन जपले राम प्यारा रे, गढ़ काचा तिस्कृति लागा, तू काहे न जाग अभागा रे, नैन उघार न पेशियो तूने, तुझ मानस जन्म के लेखा रे, पांव पसार किम सोए पर्यो, ते जन्म अकारत खोया रे, जन रविदास रामनित भेटे रे, संजम जागत पहरा रे। क्योंकि सदगुरु रविदास महाराज जी ने जो भी वाणी कही है, वो खुद के ऊपर उन्होंने उदाहरण देकर के कही कहा है, जगत की उदाहरणा नहीं दी है। तो सदगुरु रविदास महाराज जी अपने मन से कहते हैं और हमें भी प्रेरित करते हैं कि हम अपने मन को समझाएं। सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि हे मेरे दुखी मन, हे मेरे प्यारे मन, इस दुख भरे संसार में तुम उस सतगुरु का नाम जपो शरीर के इस कच्चे कमजोर गढ़ में। क्योंकि ये जो गढ़ कांचा तस्करती हिलागा, इस कच्चे घड़े में, कांच के इस गढ़ में जो चोर लगे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तुझे खत्म कर देंगे। गढ़ में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार लगे हुए हैं, तू काहे ना जाग अभागा रे, कि तू जागता क्यों नहीं है। तुझे तेरे पीछे ये जो लगे हुए हैं ठग, तुझे ठग लेंगे हे अभागे, तू जागता क्यों नहीं है। तू आंखें खोल कर देखता नहीं कि तुझे यह मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। तू पांव पसार कर क्यों सोया पड़ा है, पांव पसार जिम सोए पड़े, तू काहे न जाग अभागा रे, तू अपने जन्म को व्यर्थ में क्यों, बेकार में क्यों खो रहा है। इसका कुछ अर्थ है, इस जीवन का कुछ अर्थ है, कुछ मोल है। जाग, सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, यदि तू जाग पड़े और सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ, संयम पूर्वक, धैर्य के साथ इस जीवन को व्यतीत करे, तो तेरा सदा के लिए छुटकारा हो जाए, मुक्ति हो जाए। जीते जी दुर्लभ जन्म पुन फल पायो, बिरथा जात अभिवेके, राजे इंद्र समसर गृह आसन, बिन हर भगत कछु केह लेखे, ना बिचारियो राजा राम को रस, तेहरस अनरस बिसर जाहे, जान अजान पहे हम बावर, सोच असोच दिवस जाहे, इंदर सबल निबल विवेक, बुद्ध परमारत प्रवेश नाही, कहियत आन अचरियत अन, कछु समझ न परे अपर माया, कह रविदास उदास दास, मत पर हर कोप कर हो जी दया। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि पिछले जन्मों के पुण्यों के फल स्वरूप यह दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है। यानी इसी जन्म में जो हम कर्म करते हैं और जब सतगुरु का जब मिलाप होता है, तो हमारे जो पिछले कर्म होते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं, वो छूट जाते हैं। लेकिन सतगुरु की प्रताप से हमें जो नया जीवन मिलता है, उनके प्रताप से ये मानव जीवन की प्राप्ति होती है। और प्यारे साध संग जी, सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि लेकिन हम विवेकहीनता या अज्ञानता के कारण
यह नहीं समझ पाते कि हमें ये मानव जीवन क्यों मिला है। यदि हमें राजा इंद्र के समान महल और गद्दी भी प्राप्त हो जाए, सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि हमें राजा इंद्र के समान महल गद्दी धन दौलत प्राप्त हो जाए, लेकिन सदगुरु के भक्ति के बिना, उनके विचारों के बिना वह भला किस काम आ सकती है, क्योंकि धन भी यही रह जाता है, महल खजाने भी यही रह जाते हैं, जमीनों जायदाद भी यही रह जाती है, लेकिन सतगुरु का जो विचार है वो इतनी बड़ी दौलत है कि हमें माला माल रखती है। यदि हम अपने सतगुरु के रस में सरोवार नहीं हुए, जिस रस को पीकर अन्य रसों की शुद्धि भूल जाती है, तो प्यारी सत्संग जी, तो हम अवश्य ही पागल हैं जो जानबूझकर अनजान बने हुए हैं और ऐसी चीजों की सोच में दिन रात बिता रहे हैं जिनका विचार नहीं करना चाहिए। हमारी इंद्रियां बलवान हो गई हैं, हमारा शरीर जरूर बलवान हो चुका है, विवेक शक्ति कमजोर हो गई है, क्योंकि जो शरीर की ताकत बढ़ती है तो हमारी जो जागृत शक्ति है वो कमजोर होने लगती है, जिससे हमारी बुद्धि में परमार्थी भाव का प्रवेश नहीं होता और केवल हम अपने ही बारे में सोचते रहते हैं। हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। सदगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि हम यह नहीं समझ पाते कि माया हमसे अलग है, हमें उससे नहीं लिपटना चाहिए। सदगुरु रविदास महाराज जी हमें यही पावन संदेश देते हैं कि हे प्रभु, आपके इस दास की बुद्धि में उदासी छा गई है, अब तो नाराजगी छोड़ें और इस जीव पर दया फरमाएं। और प्यारे सत्संग जी, सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, घट अव घट ढूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमार, रमैये स्यों एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार, रमैये स्यों एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार, को बन जारो राम को, मेरा टांडा ला दिया जाए रे, हो बन जारो राम को, सहज करो व्योपार, मैं राम नाम तन ला दिया, विखला दी संसार, उर्वर पार के दानिया, लिख ले हो आल पताल, मोहे जम डांड न लागई, तजल सरब जन जाल, जैसा रंग कुसंब का तैसा ये संसार, मेरे रमैये रंग मजीठ का, कह रविदास चमार, मेरे रमैये रंग मजीठ का, कह रविदास चमार। सच्चे पातशाह सतगुरु रविदास महाराज जी जो हमें विचार देते हैं, और ये विचार देते हैं कि ये जो संसार है, इस संसार का जो व्यवहार है वो व्यापारिक जैसा है, व्यापार जैसा है, और जो व्यापार होता है वो सत्य नहीं होता है,
उसमें मिलावट होती है जो दुनिया का व्यापार है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने हमें जीवन जीने के लिए ये जो शब्द दिया है कि हो बंजारो राम को सहज करो व्यापार, एक तो व्यापार दुनिया का है जिसमें बड़ी रफ्तार है, बहुत तेजी है, चाहे वो परिवार का व्यापार है, परिवार भी एक व्यापार ही है, जो रिश्ते नाते हैं वो भी एक व्यापार है, लेन देन का व्यापार है। इस दुनिया में लेन देन को ज्यादा तरजीह दी जाती है, हर कोई सोचता है कि मैं कुछ ले लूं, और कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो देते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो लेते हैं, यानी लेन देन का व्यापार है। सतगुरु साहब कहते हैं इसमें रफ्तार बहुत है कि इंसान सांस भी लेना ऐसे कहता है कि बातचीत करते हुए कि भी मुझे तो सांस लेने का भी समय नहीं है, बड़ी तेजी बड़ी रफ्तार है इस व्यापार में। लेकिन सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, जो दौड़ तुम लगाए हुए हो इस संसार में एक दूसरे से आगे निकलने की, क्योंकि अगर व्यापार इस संसार में ना हो तो फिर सब कुछ रुक जाता है। सतगुरु साहब कहते हैं रुकना नहीं है, लेकिन सहज धीरे चलना है, कि जो ये दौड़ लगाए हुए हो आखिर ये दौड़ थमेगी कहाँ। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि हमें सहज 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 भाव अपनी जिंदगी में लेकर के आना है। घट अवघट ढूंगर घना एक निर्गुण बैल हमार, कि जो हमारा ये मन रूपी बैल है बहुत, इसमें कोई गुण नहीं है, और गुण ना होने के कारण और हम दौड़ लगा रहे हैं इतनी स्पीड और इतनी तेजी से जा रहे हैं, ये बेचारा बैल जो है, जो जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, दुख आते हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, इन घाटियों को, इन ऊंचाइयों निचाइयों को, दुखों संकटों को, मुसीबतों को ये झेल नहीं पाता। झेल इसलिए नहीं पाता कि इसमें ताकत नहीं है, ताकत इसलिए नहीं है कि इसका मेल जो है सदगुरु से नहीं हुआ है, उसके विचारों से नहीं हुआ है, इसलिए ये दौड़ लगाए हुए है और किसी की सुनता नहीं है। क्यों? ये चाहता है कि मैं अपनी मर्जी से जो चाहूं वो कर लूं। नहीं जी, प्यारे साध संगत जी, सदगुरु कहते हैं कि भाई एक दिन तू ठोकर खाएगा और गिर जाएगा, फिर गिर के मर जाएगा, फिर तुझे समय नहीं मिल पाएगा कि तू सोच सके, समझ सके कि मुझे क्या करना था और मैं क्या करने लगा। सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं घटा बघट डोंगर गना एक निर्गुण बैल हमार, रमैये सिंह की बेनती मेरी पूंजी राख मुरार, कि जो हमें स्वांसों रूपी पूंजी मिली है इसको कैसे संजो करके रखा जा सकता है। अगर हम एक दौड़ लगाते हैं बहुत लंबी दौड़ और हमें सांस चढ़ जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा सांसों की खपत होती है जितना हम तेज दौड़ेंगे, और हमारी इतनी आय नहीं है, इतनी इनकम नहीं है, हमने संजो करके नहीं रखा है कुछ, जो स्वांसों रूपी पूंजी है उसको इतना बेकार खर्च करते हैं कि जब इसकी जरूरत होती है उस समय फिर ये काम नहीं आते। सतगुरु रविदास महाराज उस परवरदिगार से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे स्वांसों के मालिक, जो तूने मुझे पूंजी दी है इसको संभाल के भी तू ही रख सकता है, और रखते भी हैं। प्यारे साध संगत जी, आप आम जीवन में देखना, जो सत्संगी लोग होते हैं, जो सदगुरु का वचन का पालन करते हैं, सदगुरु से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं, तो वो समझ पाते हैं इस बात को। ऐसा नहीं है कि उनकी जिंदगी में दुख नहीं आते, उनके यहाँ मौत नहीं होती, उनके यहाँ संकट नहीं आते, उनके यहाँ परीक्षाएं नहीं होती, होती हैं, लेकिन वो सदगुरु को मद्देनजर रखते हुए, सदगुरु को आगे रख करके, सदगुरु को प्राथमिकता दे करके उन संकटों से, उन मुसीबतों से पार पा जाते हैं। सदगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि मुझे भी ऐसी शक्ति बख्शो, रमैये सिंह एक बेनती मेरी पूंजी राख मुरार, हे रब जियो आपसे मेरी बस एक ही बेनती है कि जो भी
इस दुनिया में हो रहा है कि मुझे उनसे बचा करके रखना। हम भी सदगुरु से यही बेनतियां करें, क्योंकि दुख तो कम नहीं होंगे। कबीर साहब जी ने कहा कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कि इस चक्की, ये दो दुनिया की चक्की चल रही है, जो ये सृष्टि चल रही है, इसमें जो सुख और दुख, जन्म और मृत्यु रूपी जो दो पार्ट हैं लगे हुए, उनके बीच में इंसान जीव पिसता है। शरीर का क्या है प्यारे साथ संग जीव, शरीर यही छूट जाता है, लेकिन तकलीफ तो मन उठाता है जीते जी। शरीर को इतना कष्ट नहीं होता, लेकिन मन को बहुत दुख होता है। इसलिए सतगुरु साहिब फरमाते हैं, को बनजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे, हो बनजारो राम को सहज करूं व्यापार। कि मैं वो सहजता का व्यापार करता हूं, उस राम नाम धन रूपी धन को मेरा मैं लादे हुए हूं, और मैं यही आवाज दुनिया को देता हूं कि हे दुनिया के लोगों, आप भी सहज हो जाओ, थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में धैर्य लेकर के आओ, ताकि तुम इस दुनिया को समझ सको। क्योंकि दौड़ते हुए कोई दिखता नहीं है, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। जब हम एक दौड़ लगाए होते हैं, एक ज्यादा ही स्पीड में निकले होते हैं, तो पहचानना भूल जाते हैं, और वो पहचान भी हम भूल जाते हैं, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। सिर्फ हमें तो ये मालूम पड़ता है कि मुझे बस वहां जाना है, जितनी जल्दी हो सके पहुंचना है। लेकिन सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि सहजता तब तक जब तक हमारे जीवन में नहीं आती है। और सहजता कब आती है? जब हम सतगुरु से जुड़ जाते हैं, उसके नाम से जुड़ जाते हैं, उसकी शिक्षाओं से जुड़ जाते हैं, उनके संदेशों को अपना जीवन बना लेते हैं, एक आदत बना लेते हैं। और जब हमारी आदत बन जाती है, तो सहजता तो अपने आप आ जाती है। मैं राम नाम तन ला दिया विखला दी संसार। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि दुनिया में दो ही रंग हैं, दो ही तरह के व्यापार हैं, एक आम व्यापार है, एक सहज व्यापार है, और दो रंग हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी ने उन दोनों रंगों के बारे में भी यहाँ पे हमें जिक्र किया है। मैं राम नाम तन लादे अविख लादी संसार, कि लादा हुआ मैंने भी है, मुझ पर भी, मैं भी कुछ ढो रहा हूँ, कुछ सींच रहा हूँ, कुछ खींच रहा हूँ, और दुनिया भी कुछ सींच रही है, कुछ खींच रही है, कर तो दुनिया भी रही है, लेकिन मैं और दुनिया में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस केवल इस चीज का है कि मैं राम नाम धन लादे हुए हूँ, और दुनिया ने विख लादा हुआ है। विख का अर्थ है विषय वासना भी कह देते हैं उसको, लेकिन जहर भी फरमाया है। जहर ये दौलत जो हम प्रयोग करते हैं, सतगुरु कहते हैं कि ये धन दौलत हम छोड़ नहीं सकते, इसका प्रयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं। एक प्रयोग होता है, एक सदुपयोग होता है, एक दुरुपयोग होता है। हम क्या करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सतगुरु यही सिखाते हैं कि हम कैसे प्रयोग करें इस जीवन को, प्रयोग करें, सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। सतगुरु कहते हैं कि दुनिया जो आम दुनिया है, वो 99% जो है दुरुपयोग करती है, और 1% सदुपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, और 0.1% सदुपयोग करते हैं। तो हम कैटेगरी में, सतगुरु रविदास महाराज जी इस शब्द में हमें कैटेगरी समझाते हैं। एक परिवार है, उस परिवार में एक व्यापार हो रहा है लेन देन का, एक माँ है, एक बेटी है, एक पिता है, एक पुत्र है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, तरह तरह के रिश्तेदारी में हम बनके उलझ करके यहाँ आए हैं। संबंधों का एक व्यापार है, एक संसार है। हर कोई चाहता है कि बड़ा मेरा बेटा हो जाए तो मुझे जो है इसका फायदा होगा, हर कोई चाहता है, और चाहना भी चाहिए, क्योंकि हम संसारिक जीव हैं और संसार में आए हैं। पिता चाहता है पुत्र से, और बेटा भी कुछ चाहता है पिता से। अगर बेटे की चाहना ऐसी है कि मैं बस धन दौलत अपने पिता का चाहता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, जहर हो जाएगा।
लेकिन अगर वो संस्कार पिता से चाहे और चाहे कि मुझे मेरे पिता का आशीर्वाद मिलता रहे और मैं इसकी छाया में पलूं बढ़ूं, तो प्यारे सत्संग जी अमृत भी बन जाता है। और अगर पिता चाहे प्यारे सत्संग जी कि जब कि मैं केवल बस इसीलिए कि बेटे को पाल पोस रहा हूं, ये नहीं देख रहा कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, किस संगत में जाता है, कहाँ बैठता है कहाँ उठता है, लेकिन वो चाहता है कि मेरा बेटा जल्दी से बड़ा हो जाए। सतगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी वाणी में फरमाया है कि बढ़ती कौन सी चीजें हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि जल्दी से कौन सी चीजें बढ़ती हैं जो जल्दी नाशवान हो जानी है। जैसे भादो कुंभ राज तो तिस्ते खरी उतावली। सतगुरु रविदास महाराज जी ने ये शब्द का प्रयोग किया कि हे मेरी देह, तू तो ऐसे बढ़ रही है जैसे भादो के महीने में खुंबियां बढ़ जाती हैं और खुंबियों का जीवन एक दो दिन का होता है। जैसे भादो खुंभराज तू तिस्ते खरी उतावली, तो तू तो उससे भी ज्यादा, उसका तो जीवन कुछ पल का है भी, लेकिन तुझे तो पता भी नहीं है कि तू दो पल जिए, एक दिन जिए, दस दिन जिए, नहीं। प्यारे सत्संग जी, सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो हमें फरमाया है, आइए उसको ही अपने जीवन में लेकर के आए, क्योंकि इस जीवन में मृत्यु, दुख, संकट, जीवन मरण, ये अटल अटल हैं। लेकिन जो जीवन हमें मिला है, मृत्यु बाद की बात है। और प्यारे सत्संग जी, क्योंकि जो जीवन मिला है, सतगुरु कहते हैं इसको सीख जा जीना, और जिस दिन तू ये जीना सीख जाएगा सहजता के साथ, फिर जो परिवार का व्यापार, संसार का व्यापार सहजता के साथ, तो उसको भी निर्वाह कर लेगा। लेकिन अगर दौड़ तेरी ज्यादा हुई, तो संसार की दौड़ तेज है और सतगुरुओं के, महापुरुषों की जो स्पीड है उसमें तो फर्क है, तो फिर आगे निकल जाता है, वक्त पीछे रह जाता है, या वक्त से तो तालमेल नहीं बिठा पाता। क्योंकि महाकाल कहा है, महाकाल जो है मृत्यु को कहा है, और फिर शास्त्री जी काल जो है समय है, जो जीवन है उसको, उनका तालमेल होना बहुत जरूरी है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने इसलिए हमें कहा, मैं राम नाम तन ला दिया विखला दी संसार। प्यारे सत्संग जी, अज्ञानता को छोड़ना है, और अज्ञानता को जब हम छोड़ेंगे तो हमारा ये भ्रम भी टूट जाता है, क्योंकि हम भ्रम में जी रहे होते हैं। ये भी हमारा भ्रम है कि ये जो भाई छोटी सी उम्र में हमारे बीच से चले गए हैं, पुलकित जी, उनका जो जीवन देखेंगे कि बचपन से वो कितने एक्टिव रहे हैं, और आज तक भी जब तक उनका जीवन रहा है पूरे एक्टिव रहे हैं, उनके जीवन को जब देखेंगे। लेकिन प्यारे सत्संग जी, जीवन में एक्टिवता थी उनके, और वो यादगार हमारे बीच में छोड़ करके गए हैं। जब भी वो कहीं भी हमें मिलते थे, कि किसी को भी मिलते थे, जिन जिन को वो मिलते रहे हैं वो बताते हैं कि चार बार भी मिलते थे, चारों बार उनका सिर झुका रहता था, जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की। चार बार मिलते थे, चारों बार उनका सिर झुका रहता था। तो महानता तो इस बात की है, जीवन भले ही उनका छोटा रहा हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर भी यही बात कहते हैं कि हमारे जीवन में महानता होनी चाहिए, उम्र चाहे हमारी छोटी हो, आयु चाहे छोटी हो, बड़े जीवन का भी क्या फायदा जिसमें महानता ही ना हो। तो प्यारे सत्संग जी, आज हम